बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के विरुद्ध दिए आपत्तिजनक बयान पर तारापुर विधायक राजीव कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आक्रामक विरोध जताया है। विधायक राजीव सिंह ने कहा कि सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री के प्रति दिया गया बयान अशोभनीय निंदनीय है। उनका बयान संस्कारहीन व्यक्ति की तरह से दिया हुआ तथा तारापुर की जनता को शर्मसार करने वाला है। पद प्रतिष्ठा की गरिमा नहीं समझते और घमंड में रहते हैं। ऊपर से राजनीति विरासत मिलने से घमंडी जैसा व्यवहार करते। नीतीश कुमार ने कभी पार्टी नहीं बदला। पार्टी तो इन लोगों ने बदला जो निर्दलीय कांग्रेस, समता पार्टी, राजद, जेडीयू, हम फिर भाजपा में चले गए। उन्होंने कहा कि पिछले उपचुनाव में साथ रहकर मुझे हराने के लिए सब काम अंदर अंदर करते रहे। शकुनी चौधरी ने कहा कि मैं उनका चेला था। वास्तविकता यह है कि मेरे राजनीतिक गुरु ललन सिंह, ब्रह्मानंद मंडल और नीतीश कुमार रहे हैं। मुझे टिकट भी इन्हीं लोगों ने दिया। सम्राट चौधरी को चुनौती दिया कि अगर उनको घमंड है कि भाजपा उनको टिकट देगी और कुशवाहा के वे नेता हैं तो मुझे भी अपने नेताओं पर घमंड है कि मुझे भी टिकट मिलेगा। जहां से वो लड़ेंगे वहीं से उनके विरुद्ध लड़कर बता दूंगा कि कुशवाहा का नेता कौन है। मौके पर अति पिछड़ा के प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद मंडल, प्रखंड अध्यक्ष जय कृष्ण सिंह, कमल नयन सिंह, युवा के प्रखंड अध्यक्ष संतोष सिंह, पुरुषोत्तम सिंह, मुन्ना यादव, इंतखाब आलम, जवाहर सिंह, शिव शक्ति सिंह, धर्मेंद्र झा, मोहम्मद अरसद, मोहम्मद जावेद सहित कई अन्य उपस्थित थे। सब लोगों ने अच्छा से हर्षोल्लास से दशहरा को मनाए, इसके लिए सब लोगों से जो है धन्यवाद देते हैं। एक अच्छा से सब लोगों का किया। दूसरा, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का ये मतलब था कि अभी हाल के दिनों में जो पूर्व मंत्री था सम्राट चौधरी, उसका जो बयान हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के जो खिलाफ होता है वो एक निंदनीय है। और उनका जो वक्तव्य है वो वक्तव्य कहीं से नहीं लगता है कि एक संस्कार का लड़का जो पूरे मतलब तारापुर विधानसभा में जो शकुनी चौधरी का बेटा है, जो पूर्व मंत्री भी था, उसका जो बयान है कि एक लड़का किसको लड़का कहता है। लड़का जो 1977 से खुद उन्होंने कहा, 1977 में भी चुनाव लड़ा, 1980 में भी चुनाव लड़ा और 1985 में भी चुनाव लड़ा और सब हार गया। हार जीत तो जनता का मतलब जो है ना, जनता का जो मैंडेट मिलेगा उसको स्वीकार करना पड़ेगा। अब उन्होंने कहा कि जो है ये लड़का 77 में हार गया, उस समय पैदा भी नहीं हुआ था, इस समय की बात कर रहा है। और हम समझते हैं कि 1994 में जब समता पार्टी जनता दल जो बना था उसके बाद समता पार्टी बनी थी, तो समता पार्टी के फाउंडर तो माननीय नीतीश कुमार जी थे, उसके बाद शकुनी चौधरी आए थे। और शकुनी चौधरी के आने के बाद जो है 1995 में चुनाव हुआ था, उसमें शकुनी चौधरी जीता था। उसके पहले ही ये मंत्री केंद्र में रह चुके हैं और इन्होंने कहा कि मेरे पिताजी का पैर पकड़ करके मुख्यमंत्री बना, तो पैर पकड़ के मुख्यमंत्री बना तो अपने काहे नहीं बन गया। इतना घटिया बोली आज तक मैं किसी भी जो राजनीतिक व्यक्ति है उस इतना घटिया वक्तव्य हम किसी का नहीं सुने थे। असल बात है कि ये जो मंत्री से हटा है तो इसको दिवालियापन हो गया है, इसका माथा सुन्न हो गया है, इसके माथे में कोई बात नहीं आती है। बात आती है अगर रात में सोता भी होगा तो लगता होगा कि हम कब मंत्री फिर से बन गए। और इसी का परिणाम है कि ये कुछ से कुछ अनाप शनाप पर जो है वक्तव्य देते रहता है। इन्होंने जो है जब ये मंत्री बना था, हमको याद है जो है 1998 में मंत्री बना था, 99 में शायद माप तोल मंत्री बना था, उस समय भी मैंने देखा था इसका वक्तव्य क्या क्या आता है। उस समय पद और प्रतिष्ठा जब किसी आदमी को मिलता है तो उसको पद प्रतिष्ठा की गरिमा को समझना चाहिए, ये पद की गरिमा को नहीं समझता, ये उल्टा सुल्टा वक्तव्य देता है
और इस वक्तव्य के कारण तारापुर की भी जनता शर्मसार होती है कि एक तारापुर का जो शकुनी चौधरी का बेटा है, तारापुर में जो है वो उसका पिताजी जो है मंत्री भी रहा है और उसका बेटा किस संस्कृति का मतलब जो है किस संस्कृति का रूप लिया है, वो उससे कुछ अनाप शनाप बकना यही उनका मतलब जो है अति रह गया है। और उन्होंने कहा था बदल चुकी है, मुख्यमंत्री नीतीश जी जनता दल जो का गठन किए, उसके बाद समता पार्टी उन्होंने बनाई, वो कभी तो इन्होंने नहीं देखा कि पार्टी बदली है, ये अभी भी उसी पार्टी में है जिस पार्टी को इन्होंने बनाया था। बदला है तो पार्टी इन्होंने, जो कभी निर्दलीय से चुनाव, कभी कांग्रेस में गया, कभी समता पार्टी में गया, कभी राजद में गया और फिर जदयू में आकर के अब फिर जो है भाजपा में चला गया। भाजपा में जाने के बाद इसका इतना वक्तव्य खराब निकलने लगा और इतना अहम हो गया, यह अहंकार तो रावण को भी लेके डूब गया था और अहंकारी पुरुष जो है उसका घमंड एक न एक दिन चूर होता है। असल बात इसको विरासत में राजनीति मिली, नीचे स्तर से आता तो ऐसा बात नहीं बोलता, नीचे स्तर से आने वाले लोग इतना घमंडी नहीं हुआ करता, वो जनता का सेवा करता है और जनता की बात को रखता है। इसको जो ऊपर से राजनीति विरासत में मिली है इसीलिए ये जो है पागल दिवालियापन और पागलपन वाला जो है बयान देते रहते। दूसरा, इस चुनाव में शकुनी चौधरी का क्या वक्तव्य था, राजेश चौधरी क्या कर रहे थे और खुद सम्राट चौधरी क्या कर रहे थे। इनके पिताजी बोलते हैं कि दोनों मेरा चेला है, जिसने हमसे ज्यादा शिक्षा ग्रहण किया होगा वही जीतेगा। हमरा तो कभी गुरु शकुनी चौधरी नहीं रहे, हमारे गुरु माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, राजनीति में ब्रह्मानंद मंडल जी हैं और ललन बाबू, ये तीनों हमारे जो है राजनीतिक गुरु रहे हैं। और इन तीनों ने ही पहली बार जब हम 2000 में चुनाव लड़े थे उस समय भी टिकट इन्हीं लोगों ने दिया था और उसके बाद लगातार दो बार दिया और जब हार गए हम तो इनका क्या कहना था, किसी मंच पर जब जाते थे भाषण देने के लिए तो इनके पिताजी का भाषण होता था, है कोई माइका लाल जो मुझे हरा सके, तो बता दिया इनको इनके पिताजी को हरा करके कि जनता ही सब कुछ है, घमंड का कहीं कोई जगह नहीं है, घमंड अगर कीजिएगा तो चकनाचूर हो जाइएगा, घमंड करने वाले लोग चकनाचूर हो जाता है। दूसरी बात कहना चाहते हैं कि इन्होंने वक्तव्य जो अनाप शनाप देता है, सम्राट चौधरी का ही लीजिए, राजेश चौधरी क्या किए इस चुनाव में, इनका जितना भी आदमी था सब ने मेरा घोर विरोध किया, इनको सिर्फ और सिर्फ शकुनी चौधरी और सम्राट चौधरी को दिखता है कि हमारा परिवार ही सब कुछ है, जब भी टिकट मिले तो हमारा परिवार को मिले और हमारा परिवार ही यहाँ से विधायक सांसद बनता रहे। साथ आप लोगों से भी कहना चाहते हैं कि इस बार जो हमको विधायक बनाया, ये पच नहीं रहा इन लोगों को, कुछ न कुछ वक्तव्य देते फिरता है। दूसरी बात कहना चाहते हैं प्रेस के साथियों को कि जब ये मंत्री बने थे उस समय हमको याद है माप तौल मंत्री बने थे तो उस समय जो है कैप्चरिंग की प्रथा थी, क्योंकि राजद का शासन काल था तो दो बूथ पर बूथ कैप्चरिंग किया था और हम पर हमला भी करवाया था, अपने से हमला भी किया था। उस हमले में यहाँ के जनता ने मुंह तोड़ जवाब दे करके हमको जो है बचाने का काम किया और इस बार जो है तीनों बाप बेटा, माता तो चली गई बेचारी, माता इनकी माता का जो है माता रूपी चेहरा था इसलिए हम ज़्यादा कुछ उनके बारे में नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन ये जो घमंडी है सम्राट चौधरी, हम इसको कहना चाहते हैं कि अगर आपको ये घमंड है
कि आने वाला लोकसभा चुनाव में या हम भाजपा के उम्मीदवार बनेंगे तो हमको भी अपने नेताओं पर घमंड है। जहां से आप लड़ेंगे हम वहां से लड़ने के लिए तैयार हैं, और वहीं फड़िया लेंगे कि जात किसको कहता है, जात किसको नेता मानता है, आपको या हमको। दूसरा कि इतना ज्यादा इनको घमंड हो गया है कि जब भी कोई आदमी यहाँ से जाता है इनसे बात करने के लिए तो बात भी नहीं कर सकता, क्योंकि इनका जो रवैया है वो रवैया जो है बहुत गलत है। और सबसे पहली बात करते हैं कि संस्कार जो होता है, संस्कार बाय बोर्न होता है, संस्कार माता पिता से मिलता है। इनके माता पिता ने इनको संस्कार नहीं दिया, इसलिए आज इतना अनर्गल बयान। एक मुख्यमंत्री जो देश के बड़े नेता भी बनेंगे उनके बारे में ऐसा ऐसा बयान देते हैं। ललन बाबू को नौकर कहते हैं, बताइए कितने शर्म की बात है। नीतीश कुमार जी ने ही इस बार भी इनको MLC बनाने का काम किया, और फिर इन लोगों को जो है इतना मतलब घटिया सब बात कह करके मतलब डिमोरलाइज करता है। और भाजपा का चेहरा है जो माननीय मुख्यमंत्री जी को का विरोध करेगा, उसी को मतलब जो है वो आगे बढ़ाने का काम करता है। पूछिए आपको।